नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एसएससी की एक भर्ती के बारे में। जी हाँ, एसएससी की एक भर्ती। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा गया था कि एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कि 70,000 पदों पर, यानी कि बहुत ज़्यादा पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब 70,000 पदों पे जो वैकेंसी आएंगी, केवल एक ही पोस्ट या किसी एक ही डिपार्टमेंट की वैकेंसी यहाँ पे नहीं आने वाली है, उसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं जो मिलके आपको वहाँ पे 70,000 पद बताए गए हैं। तो एसएससी का नोटिफिकेशन आया था कि 70,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। अब उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि किस पद के लिए, यानी कि किस डिपार्टमेंट की किस भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता होने वाली है। तो ऐसे में आपको उसमें जो भी डिपार्टमेंट होते हैं सबकी अलग अलग से आपको जो एसएससी की मोस्ट जो होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट भरते हैं फॉरम, जो बेस्ट नौकरियां हैं एसएससी में, उनका यहाँ पे आपको डिटेल से विवरण देने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो आपको डिटेल्स देंगे ही हम कि किस हिसाब से आपको वहाँ पे फॉरम भरना है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या उसका पैटर्न रहने वाला है। लेकिन फॉरम जब तक आए उससे पहले आप समय ना गंवाएं, उससे पहले ही मैं आपको यहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा जो भी एसएससी के रिलेटेड होते हैं, चाहे वो एमटीएस की भर्ती हो, सीएचएसएल की भर्ती हो, सीजीएल की भर्ती हो, कैसी भी कोई भी वैकेंसी हो। तो इन सभी का डिटेल्स वीडियो में आपको पहले देने वाला हूँ कि कौन कौन भर सकता है। तो जब फॉरम आए उससे पहले ही आप तैयारी करने लग जाएं। ऐसा नहीं है कि फॉरम आएगा उसके बाद फॉरम भरेंगे उसके बाद में आप तैयारी का सोचेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, समय को आप व्यर्थ ना करें, कोशिश करें अभी से भर्तियों को समझें, क्योंकि एसएससी और बैंक की वैकेंसी होती है जो समय पे पूरी हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल यही रहते हैं कि भर्तियाँ पूरी होंगी या नहीं, क्या समय पे भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी। तो ध्यान रखें, एसएससी और बैंक की भर्तियाँ हैं जो पूरी हो जाती हैं समय पर, और इसमें कम समय में, यानी कि आपका एक सीमित समय होता है उसमें आपकी वैकेंसी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें, पहले से तैयारी कर लें, पूरा प्लान आप तैयार कर लें कि किस वैकेंसी को मैं कितने समय में इसको क्रैक करने वाला हूँ, क्या उसकी चीज़ें आती हैं। तो अभी से पढ़ने लग जाएं, फॉरम तो आएगा या तो कन्फर्म है क्योंकि आपकी वैकेंसी कंप्लीट होती है और नोटिफिकेशन समय पे आता है, और पहले ही नोटिफिकेशन के आपके नोटिफिकेशन डाल दिए जाते हैं, नोटिस जो आते हैं कि हाँ इस तारीख को इसका नोटिफिकेशन आएगा, और उस डेट को वहाँ पर नोटिफिकेशन आ भी जाता है। तो ध्यान रखें, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, मुझे इंस्टाग्राम पर भी कहा गया था कि सर एसएससी की अलग अलग से वीडियो बना दीजिए कि किसके लिए हम एलिजिबल हैं, तो बेस्ट क्या है उसके लिए हम तैयारी करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल का वीडियो। आने वाले समय में एमटीएस का हुआ, सीएचएसएल का हुआ, और भी जो वीडियो रहेंगे एसएससी से रिलेटेड वो आपको देने वाला हूँ। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, पूरी योग्यता से लेकर आपके पैटर्न और कैसे इसको पास करना है, कैसे आप तैयारी करें, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं यहाँ पर एसएससी के इस भर्ती के बारे में। जी हाँ, एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल क्या है, सबसे पहले तो यहाँ जानेंगे कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इसकी योग्यता क्या है, योग्यता इसकी है ग्रेजुएशन। अब एक चीज़ ध्यान रखें, आप किसी भी स्ट्रीम से हों, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम से योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ध्यान रखें, आपकी योग्यता स्नातक होनी चाहिए। अब आप ग्रेजुएशन, या तो जैसे कि आपने फाइनल का एग्ज़ाम दिया है, अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर मान लो कोई स्टूडेंट फाइनल सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, पास हो जाएगा, उसके बाद में भर्ती आती है, तो क्या है फाइनल में हो जाता है, तो आप अपीयरिंग वाले हो गए, यानी फाइनल अपीयरिंग है, तो फाइनल अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसका लंबा प्रोसेस रहता है। जो पैटर्न होता है इसका, उसमें क्या होता है, दो टेस्ट होते हैं इसमें, आपका प्री होता है और मेंस होता है। तो प्री जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा। तो ध्यान रखें, तो इसमें योग्यता तो हो गई आपकी ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन का विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसमें, ग्रेजुएशन जो अपीयरिंग कर रहे हैं अभी, बीए फाइनल कर रहे हैं, बीएससी फाइनल कर रहे हैं, बीकॉम फाइनल कर रहे हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे फॉरम जब निकलेंगे तब। फॉरम जब आएगा तब आपको फॉरम भरना है, लेकिन अभी आपको किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है वो आपको पूरा समझा देता हूँ। आयु सीमा की बात करें, कम से कम इसमें आयु होती है 18 वर्ष, कम से कम आपको 18 साल का होना चाहिए, आप वर्ती में फॉरम लगा पाएंगे। और जो डेट आती है कि भाई किस तारीख को आप 18 होना चाहिए, तो फॉरम आएगा तब आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा उसकी। सिलेबस और पैटर्न, अब बात आती है सबसे मुख्य है कि सिलेबस क्या आता है इसमें, क्या क्या हम पढ़ें। वैकेंसी तो आती रहेगी जब आएगी तब, लेकिन उससे पहले हम क्या तैयार करें। पैटर्न मैंने आपको बताया, पैटर्न में क्या होता है, प्री होता है एक, तो फिर आता है मेंस। अब इसमें क्या होता है कि प्री जब आता है, प्री जो सबका समान होता है, प्री में क्या होता है, जितनी भी वैकेंसी होती हैं प्री जब लगता है, तो इसमें जो आपका सिलेबस होता है, जैसे आपका जो 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें प्री में, तो 100 क्वेश्चन किस 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 आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्री में क्या होता है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन इसके आते हैं, मैथ्स 25 क्वेश्चन इसके आते हैं, रीजनिंग 25 क्वेश्चन इसके आते हैं। ध्यान रखें, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और एक हो गया
जनरल अवेयरनेस, जिसमें साइंस आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जो भी है सारे आ जाते हैं इसमें। 25 क्वेश्चन टोटल, क्वेश्चन कितने हो गए 100 क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें समय कितना मिलता है प्रिया एग्जाम में, आपको मात्र 1 घंटा मिलता है। आपको पेपर करना है 1 घंटे के अंदर, 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ध्यान रखें इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ये जो 100 क्वेश्चन करने हैं 200 नंबर के आते हैं ना, ये ध्यान रखें। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 1 घंटे का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मेंस में क्या होता है, मेंस का क्या है पेपर, सब्जेक्ट के जो आपकी जो पोस्ट होती है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें लिखवाई जाती हैं। आपने जो सब्जेक्ट रहा है उसके हिसाब से, ऐसे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपसे डिटेल से पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग वगैरह। ये जो मेंस का जब आएगा तो मेंस की देखें, अभी कोशिश करें आप प्री क्लियर की, जिससे आप मेंस तक पहुंचे। तो प्री का मैंने बता दिया है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। अब क्या है कि 12th के बाद में जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप एक बार तो जान लेते हैं कि ये चीज़ें आपने देखी हैं, कहीं ना कहीं किसी वैकेंसी में देखी होंगी, या फिर आप ऐसे भी किताबें पढ़ते रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब कोशिश करें इनमें से कोई सा सब्जेक्ट तो आपका ठीक होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि हाउ टू क्रैक, कैसे मतलब कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी। अब इसमें क्या है कि दिसंबर के आसपास यहाँ पे आपका एग्ज़ाम लगेगा इसका, प्री का जो भी कैलेंडर आया उसमें सारी डिटेल्स इसकी दी गई हैं, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कौन सी वैकेंसी है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ध्यान रखें, अब जो ये प्री का जो एग्ज़ाम है, प्री के एग्ज़ाम में आप कैसे क्रैक करेंगे, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका इंग्लिश बेस्ट है तो 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं, इस 25 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए अभी से। यानी क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन सिलेबस तो आप तैयार कर सकते हैं कि इंग्लिश में इसे, यानी एक्टिव पैसिव इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैं कर दूंगा, इनडायरेक्ट स्पीच आ गया कहीं पे भी तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा, पैसेज आ गया तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा, बहुत से ऐसे मॉडल से क्वेश्चन आ गया तो मैं कर दूंगा। तो ऐसे क्या है कि सिलेबस को पढ़ें यहाँ पर, ऐसा नहीं है। आप तैयारी करें जनरल पेपर की, यानी कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आए सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप तो पूरे SSC के पिछले पेपर्स को देख रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन क्या है घुमा के आ जाता है, तो आप क्या वेट करते रहते हैं कि वही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार क्या है SSC में क्या पैटर्न को बदलती रहती है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसको बदलती रहती है, कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लेती है, कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लेती है। तो यहाँ पे आप बहुत मायने रखता है आपका थोड़ा सा एक्सट्रीम यानी माइंड आपका होना चाहिए, आपको खेलना है SSC के साथ में, SSC आपसे खेले उससे पहले आप SSC के साथ खेलेंगे। तो क्या करेंगे, इंग्लिश का हो मैथ्स का हो, इसको क्या है कि मैथ में जितने चैप्टर होते हैं उनको निकाल लेंगे, SSC का सिलेबस आप देख लेंगे, सिलेबस मैं अवेलेबल करवा दूंगा जो CGL का रहता है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा इसके वीडियो के बाद में आपको सिलेबस अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। तो ध्यान रखिए, जैसे अब इसमें जो चैप्टर आज तक आते रहे उनको आप अभी से पढ़ने लग जाएं, ऐसा नहीं है फोरम जब भरेंगे तब उसके बाद में पढ़ेंगे, उसको क्या अभी से पढ़ने लग जाएंगे। मान लो आपके फोरम चालू, उससे पहले आपने 7 चैप्टर क्लियर कर दिए, आप 7 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको वहाँ से क्वेश्चन करना है। और SSC का सबसे बड़ा खेल यही है टाइम मैनेजमेंट, 1 घंटा देखो, क्वेश्चन सबको आते हैं, सबको आते हैं, जो भी फॉर्म भरेगा सबको क्वेश्चन आते हैं, बस वहाँ पे खेल है टाइम मैनेजमेंट का, यानी कि कौन कम समय में क्वेश्चन कर पाता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहेंगे 1 घंटा मिलेगा। आप 50 तक भी बहुत मार्किंग, मतलब बहुत हार्ड मार्किंग हो जाती है कि आप किस तरीके से पहुँचते हैं वहाँ पर, एक बहुत पेपर का लेवल भी थोड़ा सा टफ आता है बाकी पेपरों से जो देखते हैं, देखते आए हैं। CGL का पेपर थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें यहाँ से क्वेश्चंस को आप कैसे तैयार करेंगे, एक सब्जेक्ट के तो अभी से लग जाएंगे, एक सब्जेक्ट को प्रीफेयर करें जो आपका बेस्ट है उसको बेस्ट बना लें, इसमें तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैं अटेम्प्ट करूँगा, पहले पहले इसी को करना है कंप्लीट मेरे को, तो आप जो बेस है ना वहाँ से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट जैसे जनरल अवेयरनेस, डेली अखबार पढ़ें आप, करंट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या आप अखबार वगैरह पढ़ते रहें डेली, अभी से आदत बना लें इन चीज़ों की क्वेश्चन सोल्व करने की। रीजनिंग हुआ, रीजनिंग में भी आप क्या है प्रैक्टिस करते रहें, मैथ को कैसे सोल्व करना है, मैथ के जो एक वीडियो मैं आपको अलग से अवेलेबल करवा दूंगा कि मैथ्स को कैसे सोल्व करना है, कैसे मैथ्स सोल्व पढ़ी जाती है, इस चीज़ को लेकर भी एक अवेलेबल आपको वीडियो में करवा दूंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस मैथ को, मैथ के भी जो पार्ट होते हैं उनको सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कैसे आपको सोल्व करना है। तो ध्यान रखें ऐसे जो सिलेबस का जो पैटर्न है इसको आप अपने हिसाब से तैयार करेंगे कि सिलेबस आपको इसका मैं कंप्लीट दे दूंगा, इंग्लिश में क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, ऐसे सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ध्यान रखें जब ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो उसमें आपको तैयार एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे इंग्लिश का तैयार कर लिया पहले 15 दिन इसको तैयार कर लिया, थोड़ा बहुत आपने इसका तैयार कर लिया, तो जब तक फोरम चालू होंगे तब तक आप कहीं ना कहीं औरों की रेस से तो आगे रहेंगे, जो आप फोरम लगाएंगे जिस दिन से तैयारी करेंगे उससे कहीं ना कहीं आप आगे रहेंगे, कंपटीशन उस जो भीड़ वाले कंपटीशन से तो बहुत आगे रहेंगे आप। तो ध्यान रखें ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, निश्चित रूप से पेपर क्लियर होगा। ध्यान रखें कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं जाती है इसकी, अभी CGL का रिजल्ट आया थोड़े दिनों पहले, कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं, 135-140 के आसपास कट ऑफ रही है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मली किसी भी
क्यूब देखते हैं तो आप वहाँ पे भी आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है ना। तो ध्यान रखें सीजीएल का पेपर थोड़ा सा हार्ड तो मिलेगा, लेवल भी थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन प्री आप तैयार करेंगे आप क्या मेंस। अब इसमें क्या होता है, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह आती हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे, कुछ जैसे कंप्यूटर टेस्ट के भी पेपर होते हैं तो टेस्ट लग जाएगा। लेकिन प्री का मैं बात करता हूँ, प्री में ये आपका सिलेबस आने वाला है 1 घंटा 100 क्वेश्चन। आपको टाइम मैनेजमेंट फोकस करना है, ये चीज़ ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनाएगी। और किसी कोचिंग, मेरी तो सलाह ये है अगर कोचिंग करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप उससे रूटीन में आ जाएंगे कि आप डेली वो चीज़ें सोल्व करते रहते हैं कि आपको ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। बाकी आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें, कुछ भी ज्वाइन करें, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखें। कंटिन्यूटी बनाएंगे तो आपकी एसएससी सीजीएल आराम से क्रैक हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर आप डेली पढ़ेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा घर पे ही पढ़ना प्रयास करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप एक दो दिन ऐसे डील दे देते हैं, वो दिक्कत करता है। तो ध्यान रखें एसएससी सीजीएल क्या है मैंने बता दिया है। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे आपने देखा होगा इंस्पेक्टर का हो गया, पोस्ट कमिश्नर का हो गया, सीबीआई में कोई पोस्ट हो गई, इनकम टैक्स में कोई पोस्ट हो गई, ऐसी बहुत सी पोस्ट हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। तो सारी पोस्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन पोस्टों के लिए इसमें आवेदन करना होता है। तो सीजीएल का जो पैटर्न है वो इस हिसाब से होने वाला है। सीआईडी वगैरह हो गया वो भी आप इसके थ्रू लग पाएंगे। प्री मेंस यहाँ पे आपको एग्जाम देने पड़ेंगे और क्रैक करने के लिए आपको इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसी सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार करें। ध्यान रखें ग्रेजुएशन पास के लिए वैकेंसी आएगी, अपीयरिंग वाले बेस में लगा सकते हैं और 18 साल वाले कम से इसमें फॉरम लगाएंगे। ध्यान रखें एसएससी सीजीएल का एक कंप्लीट वीडियो था, आने वाले समय जब भी फॉरम आएंगे तब आपको डिटेल से वीडियो और अवेलेबल करवा दूंगा, सिलेबस पे भी हम चर्चा कर लेंगे इस पे और भी सारी चीज़ें। तो ध्यान रखें ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मतलब बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, जो कि इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं जवाब आपको तुरंत दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं जिससे आपको सारे सवालों के जवाब आपको समय से मिल जाएंगे। थैंक यू।